नमस्कार, बिग बहुरिया में मैं अक्षरा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक लड़की होने के नाते मुझे पता है कि एक बेटी जब बहुरिया बनकर अपने ससुराल जाती है तो कितने अपेक्षाएं और अरमान अपने साथ लाती है। उन अपेक्षाओं और अरमानों के बीच सही तालमेल बैठा कर बहुरिया बन जाती है एक आदर्श बहुरिया। हम आ गए हैं हवाई नगर बिरसा चौक रांची में। हमारी आज की बिग बहुरिया है ज्योति सुमन सिंह जी और उनकी सासू माँ किशोरी देवी जी से मिलने। ज्योति जी ऐसे तो हाउसवाइफ हैं, लेकिन अपने परिवार के बिजनेस में भरपूर हेल्प करती हैं। मैं यहाँ भी आई ना तो मम्मी की पैर में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो वो उसी दिन जिस दिन मैं इस घर में एंट्री हुई उसी दिन उनकी भी एंट्री हुई। अच्छा। तो मम्मी एक्चुअली उनमें लगी रहती थी, उनका काम ज़्यादा केयर करना था, उनको देखना था, मुझे अकेले ही सब कुछ देखना पड़ा। बिल्कुल। और मैं जैसे करती गई ना, कभी मम्मी जी ने कभी कुछ नहीं कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया। उन्होंने देखा कि मेरे परिवार को लेके चल रही है, सब कुछ ठीक से कर रही है, इसलिए उन्होंने कभी मुझे कोई चीज़ में ऑब्जेक्शन नहीं उठाई। मैं करती गई, वो देखती गई। हमारी आज की बिग बहुरिया ज्योति सुमन जी और उनकी सासू माँ किशोरी जी से मिलने से पहले आइए मिलते हैं उनकी पड़ोसन से। आपका नाम? वंदना सिंह। हिरन सिंह। रेखा सिंह। सुधा सिंह। इनसे और भी बात करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले खेलते हैं एक गेम। तो गेम क्या है आप लोगों को समझाते हैं हम। यहाँ पे आपके सामने कुछ रुमाल रखा है और चूड़ियाँ रखी हैं। चूड़ी को बांधना है रुमाल में रोल बना के, और फिर एक और रोल बना के उसको चूड़ी में बांधना है, उसको एक दूसरे से जोड़ते जाना है। और एक मिनट आपको समय मिलेगा, एक मिनट के अंदर जो जितना ज़्यादा बांध लेंगे वो होंगे हमारे इस गेम के विजेता, और उनको मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। तो गेम समझ आ गया आप लोगों को? जी। आप लोग कौन सी टीम से खेलना चाहेंगी, सास की टीम से या बहू की टीम से? बहू की टीम से। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को खेलना पड़ेगा सासू माँ की टीम से। तो गेम शुरू करें? तो आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, खेल रही है और बहुत जल्दी जल्दी बांधे जा रही है। बहू की टीम को समझ ही नहीं आ रहा, उनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कैसे बांधना है। पांच सेकेंड्स, चार, तीन, दो, एक, समय समाप्त। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः। छः बना दिया और एक बाकी रह गया आपका। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। हालांकि ये मान्य नहीं होगा, आपने अलग बनाया है और उन्होंने अलग बनाया, ऐसा होना नहीं था। यानी कि इस गेम की विजेता हुई सासू माँ टीम, और उनको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। ओ, बह बहुरिया, रे बह रे बिग बहुरिया। गेम तो हमने खेल लिया, लेकिन आइए कुछ मजेदार बातें करते हैं। कैसा रिलेशन है आपका सास बहू से? बहुत अच्छा रिलेशन है, सास से भी, बहू से भी। थोड़ा खटपट, थोड़ा अच्छा चलता रहता है। हाँ, चलते रहता है, नोक झोंक चलते रहता है। सास और बहू दोनों से अच्छा है। सबसे ज्यादा अच्छी कौन? सास पहले की है इसलिए सास से थोड़ा ज्यादा अच्छा है। अच्छा। और बहू? बहू बाद में आई है तो थोड़ा गैप रिलेशन तो है ही। बहू के पास ज्यादा बैठते हैं इसलिए बहू से ज्यादा बनती है। सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है आपके नजर में, सास या बहू? सास। सास, नेचुरली सास मेरे नजर में, बहू। यानी कि हमारी पॉपुलैरिटी मीटर की विजेता हुई सासू माँ। सासू माँ को मिले हैं 3 वोट्स और बहुरिया को मिले हैं 1 वोट्स। नमस्कार। नमस्कार। आप है हमारी आज की बिग बहुरिया, हम आपसे और आपके पूरे परिवार से मिलने आए हैं। जी जरूर, आपको सबसे मिलवाती हूँ, आइए। हम आ गए हैं हमारी आज की बिग बहुरिया ज्योति सुमन जी के परिवार के बीच। ज्योति जी, हम चाहेंगे आप अपने परिवार से हमारा परिचय कराइए। जी जरूर। ये मेरी सासू माँ है। प्रणाम। आपका नाम? किशोरी सिंह। ये मेरे पति देव है। प्रणाम।
नमस्ते। आपका नाम? अमरिंदर कुमार सिंह। क्या करते हैं आप? वी आर रनिंग ए कंसल्टेंसी। ये मेरा बेटा है। हेलो। तो ये है ज्योति जी का प्यारा सा परिवार। ज्योति जी, हम आपको बता दें कि हम आपके यहाँ आने से पहले आपके पड़ोसन से मिलते आए, उनसे काफी सारी बातचीत हुई, हम गेम भी खेले और हमने उनसे पूछा पॉपुलैरिटी मीटर में सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है, सास या बहू। उनके हिसाब से आज की विजेता है पॉपुलैरिटी मीटर की सासू माँ जी। तो इनको मिलता है बिग माजी गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। एक गिफ्ट हम आप लोगों को और देना चाहेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, उसके लिए खेलना पड़ेगा एक छोटा सा गेम। तो आइए खेलते हैं एक छोटा सा गेम। तो गेम क्या है आप लोगों को समझा दें। हम आपके सामने कुछ रुमाल रखे हैं और कुछ क्लिप्स रखे हैं। आपको एक रुमाल में चारों कोने में क्लिप्स लगाने हैं, पूरे चारों तरफ, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा 30 सेकंड के अंदर वो क्लिप्स लगा लेंगे वो होंगे हमारे इस गेम के विजेता, और उनको मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। और हमारे इस गेम में शामिल हो गई है ज्योति जी की देवरानी संगीता जी। संगीता जी, आप पे छोड़ा मैंने, आप आज जज हैं, ठीक है। आपको देखना है सासू माँ जीतने वाली है कि बहू, कोई चीटिंग नहीं होना चाहिए, 30 सेकंड के अंदर इनको ये कंप्लीट करना है। ओके, ठीक है। ओके, चलिए तो गेम शुरू करें जी। समझ लिया आप लोगों ने? तो आपका समय शुरू होता है अब। चलिए जल्दी जल्दी माँ जी, जल्दी जल्दी। बहू 5 लगा ली अभी तक। पांच सेकेंड्स, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। माँ जी छोड़ दीजिए, आप कुछ नहीं करिए अभी। भाभी जी 11 क्लिप लगाई है। 11? हाँ। मम्मी जी का 6 है, तो आज की विनर है भाभी जी। तो इस गेम की विजेता हुई हमारी आज की बहुरिया ज्योति सुबन जी। आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। ओ, बह बहुरिया, बहरे बिग बहुरिया। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे हमारी आज की बहुरिया ज्योति सुमन जी से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिग बहुरिया में। हमारी आज की बहुरिया है ज्योति सुमन जी। माँ के बदले इन्हें सासू माँ मिली, पति भी इनके बहुत ही केयरिंग मिले। कैसे, आइए जानते हैं। ज्योति जी, जी। शादी से पहले पति को लेके हर एक लड़की के मन में सपना रहता है, तो आपके क्या सपने थे? मेरा जो सपना था वो पूरा हुआ। मैंने जैसा केयरिंग हस्बैंड चाहा था, मेरे को बिल्कुल वैसे ही केयरिंग हस्बैंड मिला है। एक्चुअली मेरी मम्मी नहीं थी, तो घर में सबसे छोटे होते हुए भी मुझे भाइयों को देखना पड़ा। मेरे बड़े भाई हैं सारे। अच्छा। लेकिन उनको देखते हुए, उनकी केयर करते हुए, पढ़ाई करते हुए, सब कुछ घर मैनेज करते हुए फिर मैं यहाँ आई, तो मुझे वैसे ही एक, मैंने चाहा था जैसा केयरिंग हस्बैंड, बिल्कुल वैसे ही केयरिंग हस्बैंड। सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको वो केयर करते हैं, सबको केयर करते हुए बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए लेके घर को चलते हैं। और वैसे ही मैंने चाहा था कि, और वैसे ही मुझे मिला। ससुराल में जब नए नए आए होंगे आप, तो एडजस्ट करने में काफी तकलीफ हुई होगी। होती है, सही बात है, थोड़ी सी हुई लेकिन उतनी भी नहीं हुई। उसमें सासू माँ ने आपकी कैसे मदद की? एक्चुअली मेरी सासू माँ ने मुझे कभी किसी बात पे अपोज ही नहीं किया। मैं जैसा जैसा करती गई ना, वो मेरे साथ साथ ढलती चली गई। एक्चुअली होता क्या है कि सास के अकॉर्डिंग बहू को ढलना पड़ता है, लेकिन मेरी सासू माँ मेरे अकॉर्डिंग ढल गई। अच्छा। मैं जैसा करती गई उनको सब कुछ अच्छा लगता गया। जैसे? कभी उन्होंने किसी बात के लिए टोका नहीं। कोई एक पल याद हो? पल एक्चुअली मेरे साथ हर जगह थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस रही। मैं यहाँ भी आई ना, तो मम्मी की पैर में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो वो उसी दिन, जिस दिन मैं इस घर में एंट्री हुई उसी दिन उनकी भी एंट्री हुई। अच्छा। तो मम्मी एक्चुअली उनमें लगी रहती थी, उनका काम ज़्यादा केयर करना था, उनको देखना था, मुझे अकेले ही सब कुछ देखना पड़ा। बिल्कुल। और मैं जैसे करती गई ना, कभी मम्मी जी ने कभी कुछ नहीं कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया। उन्होंने देखा कि मेरे
परिवार को लेके चल रही है, सब कुछ ठीक से कर रही है, इसलिए उन्होंने कभी मुझे कोई चीज़ में ऑब्जेक्शन नहीं उठाई। मैं करती गई, वो देखती गई। अच्छा, वो आप में ढल गई? वो मुझ में ढल गई, वो पूरी तरह मुझ में ढल गई। आप अपने हिसाब से ससुराल में क्या क्या चेंजेस लाए? थोड़ा सा तो चेंजेस लाया मैंने, हाँ, जैसे एक्चुअली हर माँ को होता है कि अपने बेटे के लिए केयरिंग। थोड़ा सा बोलती थी कि मेरे बेटे को ये पसंद है, मेरे बेटे को वो पसंद है, लेकिन मैं जो जो बना के खिलाती गई, जैसे जैसे खिलाती गई, वो सब खाते गए, चलता गया। थोड़ा सा खाने का ही इस घर में थोड़ा सा था कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन मैं जैसा बनाती गई, सब खाते गए, सब रहते गए आराम से। तो खाने के मामले में आपने बदल दिया? बदल दिया सबको। ऐसी कौन सी चीज पे आपकी पूछ होती है ससुराल में? कोई भी काम होता है ना, तो छोटे से लेके बड़े तक सब कोई मुझे ही पूछते हैं। अच्छा। पापा जी को भी कोई काम होता है तो पापा जी, सुमन देखो ये काम करना है, कैसे होगा बताओ, चलो ऐसे कैसे होगा, कैसे करना होगा, क्या क्या करना होगा। मम्मी जी तो पहले ही हाथ खड़ा कर देती है। मम्मी जी बोलती है सुमन बताओ, तुम ही देखो, हमसे तो नहीं होगा। क्योंकि आप घर की बड़ी भी हैं। जी हाँ, घर के बड़े भी हैं और वो देखती हैं कि मैं आराम से कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए वो सब कुछ मुझ पे ही छोड़ देती हैं। वेरी गुड। पति में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बहुत अच्छी लगती है? उनका केयर। और ऐसी कौन सी चीज है जो बुरी लगती है, जो आपको लगता है कि बदलना चाहिए? उनकी एक ही आदत बहुत खराब है। क्या? वो बहुत चिल्लाते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है उनको। अच्छा। और कब गुस्सा आ जाएगा ये भी पता नहीं चलता, वो तुरंत एकदम हाइपर हो जाता है छोटी छोटी बातों को लेकर। अच्छा। तो मुझे बहुत संभल के रहना पड़ता है थोड़ा सा। लेकिन ऐसे क्या क्या करते हैं चिल्लाने के अलावा? बस चिल्लाते हैं और कुछ नहीं, बस बहुत जोर से बोलते हैं। वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता तो मैं उनसे और जोर से बोलती। तो बर्दाश्त नहीं करते हैं? नहीं, हम बर्दाश्त नहीं करते। रिएक्ट करते हैं तो और चीजें बढ़ती नहीं है या वैसे ही हो जाती? नहीं नहीं, फिर नॉर्मल हो जाते हैं। नॉर्मल हो जाते हैं। कौन मनाता है एक दूसरे में से पहले? कभी मैं, कभी वो। वो भी मनाते हैं जी। वो कौन सी ऐसी बात है जिस पे आपकी सासू माँ से अनबन होती है और उन चीजों को आपको खुद से मैनेज करना होता है, तो कैसे करती हैं? देखिए, मुझसे गलत बात कभी बर्दाश्त नहीं होती। अब वो चाहे मेरे पापा जी मतलब ससुर जी करें, या सासू माँ करें, या मेरे हस्बैंड करें, या मेरा बच्चा करे, मुझे गलत चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाती है। अब मैं उसके लिए रिएक्ट करती हूँ, और मम्मी जी अगर मुझे उसके लिए कहती हैं कि नहीं तुमको ये मान जाना चाहिए, उसके लिए मैं बिल्कुल मानती नहीं हूँ, मैं अपोज करती हूँ, तो उसमें थोड़ी सी होती है लेकिन फाइनली मानना मम्मी जी को भी पड़ता है। अच्छा, तो आप समझाते हैं? हम समझाते हैं कि मैंने ये रिएक्ट किया, मैंने इस बात पर गुस्सा हुई तो क्यों हुई, ये गलत है, ये इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये सब होता है। ऐसा कुछ खास नहीं बस, लेकिन नॉर्मल हो जाता है फिर सब कुछ। पर समझती माँ जी? हाँ, माँ समझती हैं। बतौर बहुरिया आप अपना भविष्य कैसा देखती हैं और उसमें आपकी सासू माँ का किरदार क्या होगा? भविष्य तो मेरा बहुत ही उज्जवल है। लेकिन सासू माँ का तो बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि मेरी माँ नहीं थी, तो मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई, और उन्होंने पूरा मतलब कभी बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह ही माना मुझे। तो आगे क्या किरदार रहेगा इनका? आगे भी मैं वही चाहती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ उनको, वो मुझे फुल सपोर्ट करें, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे अपोज करें, मैं उसके लिए एग्री हूँ, लेकिन अगर मैं सही हूँ तो मुझे फुल सपोर्ट चाहिए। बहुत अच्छा जवाब दिया और आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छी बात कर रही हैं आप सासू माँ के लिए भी, तो उनसे तो मिलना बनता ही है। जी, तो आइए मिलते हैं इनकी सासू माँ से। अब बातचीत में शामिल हो गई हैं ज्योति जी की सासू माँ। माँ जी, एक बहू को लेके क्या सपना देखे थे आप? बहू को देखे थे कि अच्छी बहू आएगी तो मेरा जिम्मेवारी से अपना हम मुक्त हो जाएंगे, यही सपना देखे थे। बहू कैसी निकली? बहुत अच्छी निकली। क्या क्या करती हैं? पूरा खाना पीना सब बना लेते हैं, हमको अपना किचन से फुर्सत दे दे। बहू जब नई नई आई तो आपने क्या क्या सिखाया? सिखाने के तो उतना हमको नहीं पड़ा, बहू अपने से कर ली। वो पहली बार आई थी तो क्या बनवाए थे आप? दाल भर के पूरी बनता है और खीर बनाता है, मीठा खाना होता है। अच्छा, कैसा बनाई थी? बहुत अच्छा बनाई। बहू की कौन सी अच्छी आदत है जो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है? मेरी बहू जब आई तो सुबह उठ करके सबका पैर छू के प्रणाम करती थी, हमको बहुत अच्छा लगा। कितना साल हुआ शादी को? बोले ना 12 साल एक हो गया है। तो 12 साल में कभी कोई अनबन नहीं हुआ? बच्चे के थोड़ा बहुत डांटते हैं तो उसमें बोल देते हैं। हाँ, तो यही होता है ना, जैसे क्या डांटते हैं आप? नहीं डांटना चाहिए बच्चे को। अच्छा, तो मानती है बात?
हाँ बोलते हैं कि माँ जी ऐसा मत कीजिए, बच्चा बिगड़ जाएंगे। अच्छा, आपके हिसाब से आपकी बहू में ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी खासियत है जो परिवार को एकजुट रखती है? जब आई तो देखे कि उस सबको एक तरह से देखती है तो मेरा जिम्मेवारी खत्म हो गया। अगर वही खाली पति को अपना देखती और बकिया को छोड़ देती तो मेरा जिम्मेवारी खत्म नहीं होता। तो देखे कि सबको बराबर लेके चल रही है तो हम अपने जिम्मेवारी से मुक्त हो गए। आपकी बहू से आपका कैसा रिलेशन है, एक माँ बेटी का, एक सास बहू का या एक दोस्त का? माँ बेटी का रिश्ता है। आपके बेटे बहू में कैसा है? दोनों के अच्छे हैं। अच्छा, बीच बीच में तो थोड़ा बहुत हो ही जाता तो है। वो बात आप तक आती है जब थोड़ा बहुत होता है? नहीं नहीं, वो लोग अपने में सलटते हैं। अपने सलटते हैं, कभी ऐसा मौका नहीं मिला? आइए मिलते हैं इनके बेटे बहू दोनों से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिग बहुरिया में। हमारी आज की बहुरिया है ज्योति सुमन जी, और उनके साथ अभी हमारी बातचीत में शामिल हो गए हैं उनके पति देव अमरेंद्र जी। लड़की जब नई नई ससुराल आती है शादी करके तो एडजस्ट करने में काफी तकलीफ आती है, तो आपने इनकी कैसे मदद की? मैंने पहले दिन इसको सारे फैमिली के बारे में बता दिया कि किसको क्या पसंद है, नहीं पसंद है, किसको क्या देना है, क्या करना है, सारे डिटेल्स मैंने इसको पहले ही दिन बता दिया। मतलब मैंने थमा दिया? नहीं, मैंने नहीं थमाया, सबका डिटेल्स मैंने बताया कि इसको ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ होना चाहिए, सो डेट यू कैन कम्फर्टेबल विथ ऑल द फैमिलीज। तो क्या ये लिस्ट आपके हाथ में पहले दिन ही थमा दी गई थी? नहीं, लिस्ट नहीं थमाई थी, एक्चुअली मैंने ही पूछा, मुझे एडजस्ट होना था ना, तो मैंने ही इनसे पूछा कि किसका क्या टेस्ट है, तो इन्होंने सबका टेस्ट मुझे बता दिया था। आपके परिवार के लिए आपकी पत्नी ऐसा क्या करती है जो आपको खुशी देता है? सारे फैमिली को साथ में लेके चलती है, सारे की केयर करती है, मम्मी पापा बेटा मेरे को, मेरे भाई को, मेरी बहन को, सारे की देखभाल करती है उनसे, इसलिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आपके हस्बैंड बहुत ही इनोसेंट है, बहुत सीधे साधे हैं। जी बिल्कुल, बहुत कम बोलते हैं और शायद तारीफ भी आपकी बहुत कम ही करते हैं। बहुत कम, उसके लिए मैं तरसती रहती हूँ। कोई एक वाक्य बताइए जो आपको याद हो जब आपकी माँ और आपकी पत्नी में कोई अनबन हुई हो और आपको मैनेज करना हो। मेरी मम्मी मेरी पत्नी में कभी अनबन नहीं हुआ, जो भी होता है कुछ थोड़ा आपसे मेरे से कभी अनबन नहीं होता है। कुछ ना कुछ तो करते हैं घपला आप रोज। जो भी अनबन होता है मेरे बेटे के कारण होता है, बस। अच्छा। और कुछ नहीं। क्या घपला? जैसे मेरे बेटे का जो भी डिमांड होता है वो हम लोग चाहते हैं फुलफिल हो जाए। हाँ। और ये चाहती है कि नहीं हो, ऐसा नहीं है, मतलब जितना जरूरी होता है मैं उतना ही चाहती हूँ। माँ तो वही, बस उसी में जो अनबन होता है बस उसी पॉइंट पर होता है, बाकी किसी पॉइंट पर अनबन नहीं होता है। जब परिवार में आपके मन लायक कोई काम ना होता हो तो बड़े उम्मीद के साथ आप अपने पति के पास जाती हैं कि वो आपका सपोर्ट करेंगे, पर ऐसा होता नहीं है, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? तब तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन धीरे 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 धीरे, कभी इनके थ्रू नहीं तो कभी परिवार के थ्रू, मैं उस चीज़ को टैकल कर लेती हूँ। कभी झगड़ा झंझट नहीं? नहीं, झगड़ा झंझट नहीं होता है हम लोग में। गुस्सा निकलता कहाँ है, बच्चे पे? एक्चुअली बच्चे पे ही निकलता है मेरा गुस्सा, मैं क्योंकि और किसी पे निकाल नहीं पाती हूँ। क्योंकि बेचारा वो छोटा है, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर सकता इसलिए। नहीं, सही बात है, वो मेरी सबसे बड़ी कमी है, लेकिन मैं भी मजबूर हो जाती हूँ उस समय। आप दोनों के विषय में और जानने के लिए कि आप दोनों एक दूसरे को कितने करीब से जानते हैं, ये जानने के लिए आइए खेलते हैं एक छोटा सा रैपिड फायर। सबसे पहले अमरेंद्र जी की बारी, आपकी पत्नी का पसंदीदा चाइनीज फूड क्या है? चाउमीन। क्या ये जवाब सही है? हाँ सही है। आपकी पत्नी ने शादी के बाद आपके लिए सबसे पहला गिफ्ट क्या खरीदा? शर्ट खरीद दिया था मेरे को। क्या ये जवाब सही है? हाँ सही है। आपकी पत्नी का पसंदीदा रंग क्या है? ब्लू। क्या ये जवाब सही है? हाँ सही है। आपका तो पता चल गया, अब आइए जानते हैं पत्नी के बारे। आपके पति की कोई एक हॉबी बताइए। इनको गाना सुनना बहुत पसंद है। क्या ये जवाब सही है? हाँ सही है। आपकी बनाई हुई कौन सी डिश आपके पति को सबसे ज्यादा पसंद है? गाजर का हलवा। क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल सही है। आपके पति का पसंदीदा फूल क्या है? रोज। क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल सही है। बहुत ही मजेदार जोड़ी है आप लोगों की, ये अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बातचीत करके, तो आइए इस बातचीत में शामिल करते हैं इनकी सासू माँ जी को। अब इस बातचीत में शामिल हो गई है माँ जी।
माँ जी अभी तक का जो एक्सपीरियंस है आपका, उस हिसाब से आप अपनी बहू को क्या सीख देना चाहती हैं? एक घर को कैसे लेके चलें और एक अच्छी बहू कैसे साबित हो पाएंगी? ये घर के सीख के लिए तो बहुत कुछ करते हैं और आगे अपने से लोग का तो करना है। माँ जी क्या सीख देंगी? माँ जी खुद ही उसे पूछती हैं ये कैसे करना है, तो ये खुद बताती हैं। अभी के जमाने के हिसाब से ये आपको गाइड करती हैं? हाँ। अभी तक जो आपने इस परिवार से पाया है, आप अपने परिवार को अपने घर को कैसे लेके चलेंगी आगे? आपका एक बेटा भी है, उसको कैसा संस्कार देंगी आप आगे? उसको भी मैं यही कहूंगी और यही संस्कार दूंगी कि वो भी आगे चल के अच्छा इंसान बने, बड़ा आदमी बने, अच्छा पढ़े लिखे और सबको साथ में लेके चले। और घर परिवार के लिए? मैं तो अभी तक जैसे लेके चल रही हूँ वैसे ही चलूंगी और मैं अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं रहने दूंगी कि मुझसे कोई छूटे या मुझसे किसी को तकलीफ हो। आपसे इनको शिकायत है कि आप कम बोलते हैं और छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करते हैं, चिल्लाते हैं, क्यों, क्या वजह है इसकी? नहीं, छोटी छोटी बातों पे मैं कम चिल्लाता हूँ, ऐसा नहीं है कि हमेशा चिल्लाते रहता हूँ। हाँ, मैं कभी गाइड करता हूँ कि भैया ऐसा देख लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ को बार बार समझाना मेरे को पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो आप चिल्लाते हैं? आदमी इरिटेट होगा ही, एक चीज़ को आप चार बार बोलिएगा तो इरिटेट होगा ही। अच्छा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि बार बार एक काम को ही समझाया जाए, जो भी काम बताया गया उसको करना चाहिए आदमी को। अच्छा, नहीं तो आपका चिल्लाना जाए? नहीं, चिल्लाना जाए नहीं, चिल्लाना देखिए मजबूरी होता है, आदमी एक बार बोलते बोलते आदमी थक जाता है तो बोलता है, चिल्लाता है। तो किस चीज़ पे आप मजबूर करती हैं जो इनको चिल्लाना पड़ता है, चार बार क्या बोलती हैं? नहीं, एक्चुअली इनका ये है ना कि इन्होंने एक बार बोला और वो तुरंत कंप्यूटर की तरह कमांड दिया और आउटपुट निकल गया। हाँ। वैसा नहीं, वैसा चाहते हैं वैसा हो नहीं पाता है क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। अच्छा। मैं कंप्यूटर नहीं हूँ। इसी बात पे हम दोनों की थोड़ी सी अनबन होती है, लेकिन फिर वो नॉर्मल हो जाता है। चुप क्यों रहते हैं इतनी, मतलब बातचीत क्यों नहीं करते हैं? नहीं, जितना मतलब रहता उतना मैं बोलता ही हूँ, मैं शुरू से कम बोलने का आदत है, सिर्फ मैं कम ही बोलता हूँ। माँ जी आप क्या बोलेंगे इस बारे में, क्या बचपन इनका बीता है चुप ही रह के? ज्यादा तो परेशान नहीं किया है, बहुत शांत मिजाज के हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब ये इनको किसी बात पे कुछ अपना एक्सप्लेनेशन देना होता है तो पर्सन टू पर्सन एकदम बैठ के खूब लंबा लंबा बोलेंगे। हाँ, बात करेंगे, तब मतलब एकदम पर्सनली बात करेंगे और खूब लंबी लंबी बात करेंगे, लेकिन कभी वो मेरे साथ ऐसा नहीं हो पाता है कि खूब लंबी लंबी बातें हो। अच्छा। जी, हम लोग से थोड़ी शॉर्ट ही होती है बस। ऐसे तो नहीं चलेगा, एक घर में रहते हुए आप अपनी अर्धांगिनी को समय ना दें, बातचीत ना करें, तो फिर आपके आगे का जीवन कैसे व्यतीत होगा? मैं तो चाहूंगी आप लोगों का परिवार ऐसे ही हंसता खेलता रहे और ईश्वर से मनाऊंगी कि प्लीज आप लोग एक दूसरे से ज्यादा बातचीत करने लगे और इसी तरीके से हमेशा खुश रहिए। अब सासू माँ और बहू कितने करीब से एक दूसरे को जानते हैं ये जानने के लिए आइए खेलते हैं एक छोटा सा रैपिड फायर। तो सबसे पहले सासू माँ, आपकी बारी। आपकी बहू सुबह सुबह आपको क्या खाने पीने देती हैं? पराठा देती हैं, सब्जी देती हैं। क्या ये जवाब सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं इनको चाय, फिर च्यवनप्राश, फिर दूध, ये देती हूँ। क्या आपकी बहू ने आपको कभी हनुमान चालीसा पढ़कर सुनाया है? नहीं, हम खुद पढ़ लेते हैं। क्या ये जवाब सही है? हाँ, सही है। आपकी बहू को गोलगप्पे खाना ज्यादा पसंद है या समोसा चाट? गोलगप्पे। अच्छा, क्या ये जवाब सही है? सही है। अब बहुरिया आपकी बारी। आपकी सासू माँ को किस रंग की साड़ी पहनना ज्यादा पसंद है? ग्रे कलर। क्या ये जवाब सही है? माँ जी सही कह रहे हैं। आपकी सासू माँ दिन भर में कितनी बार दवाइयाँ लेती हैं? एक बार। क्या ये जवाब सही है? सही है। आपकी सासू माँ को किस देवी देवता पे ज्यादा भरोसा है? शंकर भगवान पे और माँ दुर्गा पे। क्या ये जवाब सही है? सही है। क्या बात है, आप दोनों एक दूसरे को काफी हद तक जानते हैं। हाँ, एक दो चूक हो गई, लेकिन बहुत अच्छी जोड़ी है आप दोनों सास बहू की। तो यहाँ पे आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बिग बहुरिया फोटो फ्रेम विद चांदी का सिक्का। तो ये थी हमारी आज की आदर्श बहुरिया ज्योति सुमन जी। अगर आप भी एक आदर्श बहुरिया हैं, तो हमें इस नंबर पर संपर्क करें 9386419030। तब तक के लिए अपनी अक्षरा सिंह को दीजिए इजाजत।
फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि जब हम आपके घर आते हैं तो आपके अपने और भी करीब हो जाते हैं। नमस्कार। रे बाहर है।